अरे आवरून जा, मला चावडायला म्हणतात. मी रोहन खाडीकर, मी आता सेकंड इयरला गेलाय. माझ्या कपड्यावर जाऊ नका, मी किशोर कुमार आहे. मैं अपने बाग का मालिक. ओ शिव शंभो, माफ करना पंडित जी, मैंने सोचा जमीन पर पानी देने से पौधे उगाते, आपके सर पर बाल आएंगे. कोई बात नहीं, हम समझेंगे कि आज हमने दो बार स्नान कर लिया है. वैसे तुम इधर के माली हो क्या? माली भी हूँ, माली भी हूँ. ये सारा बात तो अपने ही लगाया हुआ है, मगर बात क्या है? बात ये है कि शादी की बात करना है. शादी की बात? और इस उम्र में? शिव शंभो, हम तो ब्रह्मचारी हैं. हाँ, सेठ जी के छोटे लड़के है ना. कौन? विजय बाबू और तेरी मतवार है. सुनो जी भाई, बात ये है कि लड़की वालों से बात करने से पहले लड़के के बाबत की कुछ जानकारी कर लेते हैं. मतलब प्राइवेट है? हाँ, बता दूंगा अगर अवश्य. वैसे तो विजय बाबू दूर से ठीक ही लगते हैं, मगर पास से किसी से कहेगा तो नहीं, उनकी एक आंख नकली है, कांच की बनी हुई है. कांच की बनी हुई है? खैर, कन्या को अपने पति के आंख से क्या काम? क्या चाल चलन तो अच्छा है ना? बता दूंगा अगर अवश्य अवश्य. वैसे तो विजय बाबू को नहीं मानो से, लेकिन जरा प्याज खा लेते हैं. प्याज? मटर मुर्गी खाने वालों को उसकी जरूरत पड़ती है. शिव शंभो, मांस खाते हैं? थर्रा चढ़ाने वालों को उसकी जरूरत पड़ती है ना पंडित जी. शिव शंभो, तो विजय बाबू मदिरा का भी सेवन करते हैं? देवदास थोड़ी है, महीने में एक बार गाना सुनने चले गए तो, अगर रेस में डबल टोट या ट्रिपल टोट लग गया तो. रेस जुआ तो बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहेगा, जब कभी कड़की पड़ जाती है तो अपने बाप की भी तो चोरी साफ कर देता है. शिव शंभो पंडित जी, मैं अपने बाग का मारी.